नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए राजस्थान पुलिस की तरफ से निकाली गई अपडेट के बारे में जानकारी लेके। तो दोस्तों, यहां पर राजस्थान पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2020 में जो एक बिग रिक्रूटमेंट होने वाली है 5000 पोस्ट के लिए, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी 10 और 12th पास होगी। तो इसमें कई पोस्ट हैं, 3 तरह की पोस्ट हैं, उन पोस्ट के बारे में आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो इस भर्ती में महिला एवं पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस भर्ती में मतलब राजस्थान के बाहर के किसी अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है, ये 4 दिसंबर 2019 के लिए की गई है। पोस्ट है यहाँ पे 5000। तो 4 दिसंबर 2019 के लिए ये विज्ञप्ति जो है, नोटिफिकेशन जो है, राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों, इसी भर्ती के बारे में आपके लिए आगे बताने जा रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज की वीडियोज़ लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा आज का शॉर्ट नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। शॉर्ट नोटिस में यहाँ बताया गया है, राजस्थान पुलिस गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल वैकेंसीज। दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन वैकेंसीज डिटेल्स एंड कंप्लीटेड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान पुलिस में एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है, और जो कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। पोस्ट नेम होगा आपका कॉन्स्टेबल जनरल और कॉन्स्टेबल RAC / MBC एंड कॉन्स्टेबल ड्राइवर। तो ये 3 पोस्ट होंगी, कॉन्स्टेबल जनरल, कॉन्स्टेबल RAC / MBC एंड कॉन्स्टेबल ड्राइवर, के 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर राजस्थान पुलिस की ओर से वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन पोस्ट की जो अभी डिटेल है वो अभी तक अपलोड नहीं की गई है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट केवल दी गई है, यहाँ पर 5000 पोस्ट के लिए ये भर्ती होनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपनी। यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, फॉर जनरल ऑफ राजस्थान डोमेसियल, मतलब जो जनरल कैटेगरीज के हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 400 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, फॉर SC/ST ऑफ राजस्थान डोमेसियल, मतलब जो राजस्थान के रहने वाले हैं और SC/ST कार्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 350 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी। जनरल एनुअल इनकम इन लेस देन 2.5 लाख, जिनकी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उनके लिए भी ये फ़ीस 350 रुपये होगी। पेमेंट मोड होगा दोस्तों ऑनलाइन, आपके लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी पड़ेगी और ऑनलाइन ही आपके लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कॉन्स्टेबल जनरल कैंडिडेट्स शुड प्रोसेस 10th क्लास, मतलब जो कॉन्स्टेबल जनरल के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए 10th पास होना ज़रूरी है, और कॉन्स्टेबल RAC / MBC के लिए कैंडिडेट शुड प्रोसेस 8th क्लास, मतलब कॉन्स्टेबल RAC और कॉन्स्टेबल MBC के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके लिए 8 पास भी चलेगा। तो मतलब 8 पास भी हैं अगर आप, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉन्स्टेबल ड्राइवर की बात कर लेते हैं हम। कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए 10th क्लास पास होना ज़रूरी है, और उनके लिए उनके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में LMB और HMB होना चाहिए। तो दोस्तों, LMB होता है लाइट मोटर व्हीकल और HMB होता है हैवी मोटर व्हीकल। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि हैवी मोटर व्हीकल ही ज़रूरी है, अगर आप LMB में लाइट मोटर व्हीकल भी आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपके लिए लेके चलूँगा राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर और फ्री जॉब अलर्ट की जो वेबसाइट है जिसपे ये नोटिफिकेशन जारी की गई, अपलोड की गई है, और राजस्थान पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशंस उनकी वेबसाइट पर अपलोड की गई है वो भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस के जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वहाँ पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट 2000
19 अप्लाई फॉर 5,000 कॉन्स्टेबल पोस्ट्स। ये जो रिलीज डेट है 4/12/2019, मतलब 4 दिसंबर 2019 के लिए जो वैकेंसी हम रिलीज़ कर दी गई हैं। नेम ऑफ पोस्ट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म 2020, पोस्ट डेट है 4/12/2019। टोटल वैकेंसीज होंगी आपकी 5,000। तो ये डिटेल जो है मैं आपके लिए पढ़ के और समझा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना होगा आपके लिए। अप्लाई ऑनलाइन के जो लिंक होगा वो जल्दी सुन अवेलेबल, मतलब जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं अभी तक, केवल ये नोटिफिकेशन ही जारी की गई है। तो जब भी ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे मैं आपके लिए बता दूंगा एक नई वीडियो बना के। नोटिफिकेशन अवेलेबल सून, शॉर्ट नोटिस मिल चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस की तरफ से जो स्कैन कॉपी इनकी वेबसाइट पर अपलोड की गई है उसके बारे में आपके लिए बता देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ये 4 दिसंबर 2019 के लिए कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, ये काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो कुछ खास खास पॉइंट है मैं उनको केवल वही बताऊंगा आपके लिए। तो आवेदन प्रक्रिया, आपको आवेदन कैसे करना है भर्ती हेतु। तो आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना जरूरी है। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह SSO.rajasthan.government.in पर जाकर SSO ID बना सकता है, अथवा SSO ID ई मित्र, तो ये आप यहाँ पर जाके अपने SSO ID बना सकते हैं। बिना SSO के ID के आपके ये जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान पुलिस के अधीन सेवा नियम उनके लिए ध्यानपूर्वक पढ़ ले। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क मैं आपके लिए बता चुका हूँ, ये जो दिया गया है लिखित परीक्षा प्रवेश और भर्ती हेतु रिक्त पद 5,000 पद हैं। जो पद हैं उनकी डिटेल ये दी गई है, बहुत ज़्यादा उसमें दी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई है। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, आप इसके लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और पढ़ जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पर 30% आरक्षण भी दिया जाएगा, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के रूप में है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में है जो नौकरी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 12.5% आरक्षण मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मेन मेन डिटेल बता सकता हूँ। ये देखिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि राजस्थान के जो बाहर के अदर राज्य के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों से अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SB वर्ग और OBC वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब आप राजस्थान से बाहर किसी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके लिए, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आपके लिए सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा। आपको वहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान और पेंशन, दोस्तों यहाँ पर आपका पे लेवल 5, जो आपको पे मैट्रिक्स लेवल 5 का आपको वेतन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा वेतन होता है। तो यहाँ पर ये योग्यता वगैरह दी गई है, तो इसके लिए आप यहाँ पढ़ लें। SC ST के लिए ये डेट ऑफ बर्थ का दिया गया है यहाँ पे, निम्न तिथि के बाद जन्म का नहीं हो, न्यूनतम आयु तिथि। तो पुरुष और महिला के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 1/1/2002 से बाद का नहीं होना चाहिए, और निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो सकता, मतलब इससे पहले का जन्म नहीं। तो 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच में ही आपका जन्म होना जरूरी है। यहाँ पर पुलिस के महिला के लिए है 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2002। तो ये आप डाउनलोड करके इसके लिए पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर शारीरिक मापदंड और चिकित्सक मापदंड के लिए दी गई है, नियुक्ति के लिए अयोग्यता काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ बताया गया है दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो वैकेंसीज हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, लेकिन इसके जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो जल्दी से ही इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे मैं आपको बता दिया जाएगा। एक नई वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को